क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से प्रभु येसु के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए आप सभी का स्वागत है। कल यानी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। हम जानते हैं एड्स की बीमारी कितनी भयानक है, और भी दुनिया में ऐसी बीमारियां हैं, असाध्य रोग हैं जो बहुत ही कष्टप्रद हैं। कई बार जब हम लोगों को इन बीमारियों से पीड़ित देखते हैं, कष्ट झेलते हुए देखते हैं, तो मन में सवाल उठता है, क्या यही मानव जीवन है? क्या यही मनुष्य जीवन की सुंदरता है? क्या इसीलिए ईश्वर ने हमको इस दुनिया में भेजा है? आज के सुसमाचार में संत लूकस के अनुसार सुसमाचार के 21वें अध्याय के 34 पद से 36 पद तक प्रभु येसु हमें इसी बारे में चेतावनी देते हैं। आज की दुनिया और दुनिया के लोग अपने जीवन में आराम और संतुष्टि की खोज की दौड़ में शामिल हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति एक ऐसी दौड़ में लगा हुआ है जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम जुटा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जुटा सके, कहीं से भी अपने जीवन की संतुष्टि पा सके, अपने जीवन में खुशी पा सके, खुशी के पल पा सके। और कई बार इस दौड़ में ऐसा होता है कि हम अपने आत्मा के बारे में भूल जाते हैं, अपने जीवन की व्यस्तता में या अपने शारीरिक सुख की व्यस्तता में हम अपने आत्मिक सुख या अपने आत्मिक पोषण के बारे में भूल जाते हैं। प्रभु येसु हमें इसी की चेतावनी आज के सुसमाचार में देते हैं। सावधान रहो, संसार के भोग विलास नशे आदि में इतने व्यस्त ना हो जाओ कि तुम पर प्रभु का वो दिन अचानक आ पड़े। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस संसार में बहुत अधिक व्यस्त हो जाते हैं, अपनी आत्मा के बारे में भूल जाते हैं, तो ज़रूर वो दिन हम पर बहेलिए के फंदे की भांति आ पड़ेगा। कई बार हम उस दिन के बारे में यानी कि प्रभु के आगमन के बारे में, प्रभु के आगमन के दिन के बारे में कुछ नहीं सोच पाते, और कई बार हम उचित तैयारी नहीं कर पाते। और इसलिए प्रभु येसु हमें सलाह देते हैं कि जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यही एकमात्र रास्ता है जो हमें प्रभु येसु के उस आगमन की तैयारी के बारे में तैयार करता है, हमें इंगित करता है। और इसके लिए माता कलीसिया हमें उचित सहयोग व सहायता प्रदान करती है। हर दिन ईश्वर के वचन हमारे लिए उपलब्ध हैं, अन्य संस्कार हमारे लिए उपलब्ध हैं, ताकि वो हमारी आत्मा को पोषण प्रदान करें। आइए हम प्रभु येसु से कृपा मांगे कि हम भी हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रार्थना के लिए उचित स्थान दें, ताकि हम प्रभु के आगमन के उस दिन के लिए उचित रूप से तैयार रह सकें। Thank you.